देश भर में चल रहे लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान आज शुरू हो गया। वोटिंग की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में मतदान किया। इस दौरान पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। बता दें अहमदाबाद की गांधीनगर लोकसभा सीट से गृह मंत्री अमित शाह उम्मीदवार है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में राजभवन से मतदान करने सीधे अहमदाबाद के निशान हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचे। यहां गृह मंत्री ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद मोदी ने पोलिंग बूथ में जाकर मतदान किया। गांधीनगर लोकसभा सीट से अमित शाह दूसरी बार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। मतदान के बाद पीएम मोदी ने देशवासियों से अधिक मतदान करने की बात कही। साथ ही देश में पड़ रही प्रचंड गर्मी से बचने और अपने स्वास्थ्य के ध्यान में रखने की बात भी पीएम ने देशवासियों से की। हालांकि उन्होंने सभी को अपने कर्तव्य के ध्यान में रखने का भी आग्रह किया। लोकतंत्र में बढ़ चढ़ कर भाग लेना ही अपने कर्तव्यों का पालन करना है। वोटिंग के बाद पीएम मोदी ने पोलिंग बूथ पर मौजूदा लोगों का अभिवादन किया। इसके साथ ही उन्होंने वहाँ मौजूद बच्चों को हाथ पर ही ऑटोग्राफ दिया। इस दौरान पीएम एक बच्ची को दुलारते भी नजर आए। पीएम मोदी ने वोट डालने के बाद कहा कि लोकतंत्र में मतदान सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का एक महत्व है और उसी भाव से देशवासी ज्यादा से ज्यादा वोट करें। आज तीसरे चरण का मतदान है। अभी 3 सप्ताह चुनाव चलेगा और 4 चरण बाकी है। मैं मतदाता के नियमित रूप से यहीं पर मतदान करता हूं और बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अमित भाई यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी मुझे कई राज्यों का दौरा करना है। मैं देश के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं जो उत्साह से भाग लेते हैं।